भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार? ओहो, अरे दे देना, क्या क्या कर रहे हो? उधर पे गए, उधर पे गए। इजलास के दौरान पीटीआई ने जो हंगामा और असेंबली का माहौल खराब किया, उसमें उन्होंने जिस तरह लड़ाई की, हम सीएम साहब के पीछे खड़े थे तो अचानक दुआ भुट्टो ने आके मेरे साथ लड़ाई की और गाली गलौज दी। उसके साथ अरसलान भी थे और उन्होंने मेरे हाथ से, दुआ भुट्टो ने मोबाइल छीन, और मोबाइल छीनने के बाद उन्होंने अरसलान को दे दी। तो मैं अपनी डिप्टी स्पीकर साहिबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखें आप जो असेंबली में जिस तरह आज का माहौल था और जिस तरह वो मेरे साथ लड़ी हैं, उस पर कानूनी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। और मेरी मोबाइल बहुत अहम थी जो दुआ भुट्टो ने छीनी और मेरे साथ लड़ाई की, गाली गलौज दी, और जिस तरह उन्होंने बदतमीजी की और उसके बाद उन्होंने माइक उठा के सारी हमारी लेडीज एमपीए के ऊपर फेंकी हैं, तो इसको आप देखें और जिस तरह उन्होंने लड़ाई की ये सारी चीज़ें नज़र में रखें। और कानूनी तौर पे इन लोगों को ये पता नहीं है कि असेंबली का डेकोरम क्या है, असेंबली में किस तरह बैठा जाता है, बजट किस तरह सुनी जाती है, किस तरह बात की जाती है, किस तरह एहतजाज होता है। जमहूरी तरीके से एहतजाज हमने भी किए हैं, लेकिन ये तरीक़ेकार गलत था कि एक लेडी और उसके साथ उनके मर्द एमपीएस ने बदतमीजी की है।